अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अलहमदुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा जी, तो शिवी ने जो वीडियो डाली थी, शिवी ने उसके अंदर बहुत सारे खुलासे किए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और एंड में जो उसने दिखाई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो सबसे पहले शिवी ने बोली है कि हमने इसके साथ में बहुत किए, हमने बहुत मतलब एहसान किए, जता रही थी। तो यही नहीं समझ आया कि क्यों तुम लोगों ने इसके ऊपर एहसान किए, और क्या मतलब था, क्या स्वार्थ था तुम लोगों का, जो तुम लोग उसको हर एक चीज के अंदर सपोर्ट कर रहे थे। और अब इस वीडियो के अंदर बता रही है कि वो टाइम पे जब इसका हस्बैंड गुजरा था, इसके भाई लोग ने कोई केक वगैरह काट के बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। तो इतने सारे प्रूफ दिए कि वो वीडियो उसने बनाने लगाई थी, सपना ने बनाने लगाई थी, कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा कि इन लोगों ने, इसका हस्बैंड गुजरा है और वहां पे लोग सेलिब्रेट कर रही है, केक काट रही है। तो ये सारी बातें सपना को बुरी लगी थी। और बाकायदा इसने चैट बताई है जिसके अंदर सपना इसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि हाँ वीडियो ठीक बनी है और ये वीडियो बना रही है। इसने बोली कि सपना की वजह से मैंने बहुत गालियां खाई हूँ, क्योंकि सपना ने वो वीडियो इसको बनाने लगाई थी। और फिर ये जब पब्लिक के आगे गालियां खा रही थी, तो सपना ने इसको प्रोटेक्ट नहीं की, इसके लिए एक लफ्ज नहीं बोली। तो सबसे पहली बात तो, अगर के सपना तुम्हें कुएं में कूदने के लिए बोलेंगी तो तुम कूद जाओगी, सिर्फ और सिर्फ ये जताना कि मैंने उसके बोलने पे वीडियो बनाई और मैं गालियां खा रही थी। तो भाई तुम्हें जरूरत क्या थी वीडियो बनाने की? तुम्हें भी व्यूज आ रहे थे, तुम्हारे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, तुम्हें फायदा हो रहा था, इसके लिए तुमने वीडियो बनाई। तुम अगर इतनी ज्यादा समझदार थी जो कि खुद को बेवकूफ बता रही हो, तो तुमको चाहिए था कि तुम वीडियो नहीं बनाती। अगर के वो फ्रॉड कर रही थी अपनी ऑडियंस के साथ में, सारा प्री प्लान्ड वीडियो बनाती है। और इतने एक बात और भी बोली है कि वो जो उसके हस्बैंड की जो वीडियो इसके भाई ने लगाया था, एक्सीडेंट की जो क्लिप लगाया था, तो ये बता रही थी कि सपना ने इसको बोली कि वो बात सपना को बुरी लगी और सपना को चाहिए था कि वो अपने चैनल पे वो क्लिप डालती, सपना को व्यूज चाहिए थे उस एक्सीडेंट वाली वीडियो को लेके, ये सारा कुछ भी इसने बोली है। तो अगर कि यहाँ पे हम सपना को गलत माने भी, इसकी बात को सच माने भी, तो सबसे पहली गलती है ना इन सपोर्टरों की होती है, जो कि आप लोगों को पता ही है कि जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जो ऑडियंस के दिमाग में उल्टा सीधा भर के सिंपत्ति ले रहे हैं, जो कि इसने बोली कि वो जैसी है वैसी दिखती नहीं है, वो सिंपत्ति लेती है और वो सिंपत्ति गेम करती है। तो इतने साल तलक के तुमने उसको, बोलते हैं ना कि जब बंदा आम होता है ना, उसको सपोर्ट कर करके अगर आप लोग एक पोजेशन पे बिठा देते हो, एक औहदा दे देते हो, उसके बाद में अगर आप लोग उसकी सच्चाइयां बताओगे ना, तो दो जने अगर सच बोलने वाले हैं ना, बाकी सब के सब है ना उसकी सपोर्ट में खड़े रहने वाले हो जाएंगे। तो अब बता के तो कोई फायदा नहीं है। उस अगर अगर के मान भी लिया कि उसने फ्रॉड करती है, वो ये सारा कुछ जानबूझ के करती है, तो उसके पीछे क्रेडिट तुम जैसे सपोर्टरों को, तुम जैसे दोस्तों को जाता है, जो उसके शुरू के, अगर के शुरू में वो ये सारा कुछ कर रही थी, वो टाइम पे तुम लोगों ने वीडियोस बनवाई उसके लिए, वीडियो बनाई, तुम लोगों ने सपोर्ट किया, तुम लोगों ने उसके झूठ को छुपाए रखा। और ये बोल भी रही है कि मेरे पास में वॉइस है, मेरे पास में सारे प्रूफ है, ये है वो है। तो भाई अगर तुम्हारे पास में प्रूफ और ये वो सब है, वॉइस वगैरह है, तो तुमको चाहिए था कि तुम लगाती, क्यों नहीं लगाई? अब जाहिर सी बात है कि ये लोग एक दूसरे को अब कानून की धमकियां दे रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और मतलब के पहले तो बिगाड़ना, इतना ज्यादा बिगाड़ना कि वो बोल रही है इस तरह की वीडियो बनाओ और ये वीडियो बना रही है और फिर बोल रही है मुझे गालियां पड़ी। भाई तुमने क्यों खाई गालियां? तुम मना कर देती कि मैं बनाऊंगी नहीं वीडियो, बताओ भाई उसकी माँ के खिलाफ। अच्छा ये बात में सच्चाई कितनी लगती है मुझे, बिल्कुल लगती है मुझे सच्चाई कि सपना ने ही वीडियो बनाने लगाई होगी, क्योंकि सपना की दोस्त अगर सपना की माँ के खिलाफ वीडियो बना रही है, सपना फिर भी उससे दोस्ती में है, तो हो ही नहीं सकता है कि सपना को उस वीडियो का नहीं पता होगा। बिल्कुल सपना ने ही वीडियो बनाने लगाई होगी, ये झूठ नहीं बोल रही होगी। लेकिन अब क्या फायदा, अब क्या फायदा? इसने ये भी बताई है ना कि बाद में सपना ने अपनी अम्मी को बता दी थी, अपनी मम्मी को, कि वो वीडियो उसने बनाने लगाई थी, कि उसकी अम्मी ने जो वीडियो बनाई थी शिवी के खिलाफ, वो वीडियो प्राइवेट कर दी गई। हर एक चीज में इसकी ये वाली सच मानती हूँ, लेकिन अब क्या फायदा? अब तो तुम लोगों ने उसको बिचारी बता बता के, उसको मजलूम बता बता के इतनी बड़ी उसकी आर्मी कर दी है, इतने ज्यादा सपोर्टर खड़े कर दिए है, कि अब तुम्हारा सच है ना उसके, अगर मैं मानती हूँ ना कि वो झूठ बोल रही है हर एक चीज में, तो उसके झूठ के आगे ना तुम लोगों का सच है ना अब छोटा पड़ता है, बहुत सारे लोग है अब।
वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि जितनी भी बातें ये बता रही है, क्या सारी की सारी ही बातें झूठ होगी? इसमें से एक भी बात में सच्चाई नहीं होगी। और जो मतलब ये बताया गया है इसके वीडियो के एंड में कि इसका जो भाई है सपना का, वो वीडियो बना रहा है और पीछे कांच के अंदर मतलब थम्सअप दिया जा रहा है, तारीफ के जो इशारे किए जाते हैं वो इशारे किए जा रहे हैं, तो वो ऑडियंस ने पकड़ी है कि वो अपने भाई से वीडियो बनवा रही है। तो इस चीज को लेके सपना ने ये तो नहीं बोली कि मैंने नहीं ये की हूँ, उसने बल्कि डिनाई ही की है, लेकिन ऐसा कोई शार्प हार्म सा कुछ जवाब नहीं दिए। लेकिन इस चीज से क्या ही फर्क पड़ता है, जब वो तू सहेली होके, ये सहेली थी ना, सहेली से अगर वो वीडियो बनवा सकती है तो सगे भाई से क्यों नहीं? क्या ही फर्क पड़ता है कि उसने वीडियो बनवाई है या नहीं बनवाई है? और आज जो तुम लोग झेल रहे हो ना, वो सब कुछ है ना तुम लोगों का खुद का किया धरा है। तुम लोगों ने खुद ने उसको ये सब चीज में बढ़ावा दिए, अब झेलो। खैर अब बात कर लेते हैं कि इसने घर के बारे में भी बात की है, जो घर इतने छोड़ के वहां से आई है, तो ये बता रही थी कि मैं वो घर का सच बताऊंगी कि उस घर में क्या क्या कर्म कांड हो रहे थे, तो इसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएंगी यहाँ से और ये सारा कुछ। तो ये बात के पीछे भी मुझे थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर नजर आ रही है, क्योंकि मैंने वो टाइम पे भी बोली थी कि कोई भी औरत इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती है बिना सहारे के वो घर छोड़ के बच्चे लेके कहीं पे भी निकल जाए। कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर होगा। हाँ, लेकिन सपना को चाहिए था कि अगर कोई कर्म कांड करने थे तो उसका हक बनता है, उसका खुद का ये है, बोलते हैं ना, उसका हक है कि अगर वो शादी करना चाहती है या वो किसी से रिलेशन रखना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? अगर उसका हस्बैंड नहीं है दुनिया में तो वो कर सकती है, लेकिन दुनिया से छुपा के करना, जाहिर सी बात है, सिंपत्ति के लिए, चैनल चलाने के लिए, ये सब पीछे मोटिव हो सकता है। बाकी आप लोग खुद सोचो कि क्या कर्म कांड वहां पे हो रहे थे जिसका इसने हिंट दिए कि मैं अगर वहां का बताऊंगी तो किसी की रोजी रोटी खत्म हो जाएंगी। मतलब कि कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, ऐसे ही तो नहीं है इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। लेकिन यहाँ पे भी मैं इन लोगों की ही गलती मानूंगी कि जब कर्म कांड हो रहे थे तब तुम लोगों ने छुपाए, उस चीज में उसको सपोर्ट किए और वो सब चीजों के ऊपर पर्दा डाले, तो अब जाके तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि तुम ये सारी बातें बोल रही हो? हाँ, आगे से अगर के तुम्हें रिश्ता रखना है नहीं रखना है वो अलग बात है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं निकाल के लाई कि तुमने उसके साथ में ये किया वो किया, उसने कुछ नहीं बोली, लेकिन तुम पिछली बातों को लेके बैठ रही हो, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ऑडियंस यकीन करेंगी। मैं नहीं मानती हूँ कि सपना की सारी ही चीजें सच है और ये पूरी तरह से झूठी है, मैं नहीं मानती इस चीज को। लेकिन अब फायदा क्या, मेरे बोलने का ये मतलब है कि क्या फायदा है सच्चाई बता के? और इतने अब इसके सास ससुरे को भी सिंपत्ति देने की कोशिश की कि उन लोगों के साथ में भी सपना ने गलत की है, जो टाइम पे गलत हो रहा था वो टाइम पे तो तुम लोगों ने सपना को सपोर्ट करते हुए गलत को सपोर्ट की है ना। अगर मानेंगे हम ये बात के उसके सास ससुरे सब सही थे, सपना गलत थी, तो तुम लोगों ने तो गलत को सपोर्ट किए, गलत को तुम लोगों ने सिंपत्ति दिलाए। और अब अगर तुम लोग सच्चाई बताते भी हो तो अब क्या फायदा, वो तो घर छोड़ चुकी, उसके साथ ससुर के साथ में गलत हो चुका, सारा कुछ हो चुका, अब क्या फायदा बता के? और ये जो तुम्हारे साथ अब हो रहा है ना, जितना तुम लोग गंदे हो रहे हो, तुम लोगों को लोग गालियां दे रहे हैं, तुम लोगों को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, और सपना जो तुम लोगों के साथ कर रही है, तो इससे ये बात साबित होती है कि तुम लोगों का किया तुम लोगों के आगे आ रहा है। वही वाली कहावत यहाँ पे फिर बैठती है कि बीज बोया बबूल के तो फल कहाँ से पाओगे, कांटे ही आएंगे ना। तो बस ये सारा कुछ है। बाकी आप लोग खुद सोचो कि ये इतनी बड़ी जो बात की है इसने कि वहां पे कुछ कांड होते रहे हैं उस घर में, और अगर नहीं हो रहे थे कांड तो सपना वहां से रातों रात क्यों गायब हुई? नहीं गायब होना चाहिए था, वहीं पे रहना चाहिए था, वो तो कोई इसके सहारे तो गई नहीं थी, है ना, ये खुद के लिए गई थी, खुद के ऊपर विश्वास करके, खुद के ऊपर उतने सारा डिपेंड रह के गई थी ना। तो ये अगर धोखा दे भी दी थी तो वो वहां से क्यों गायब हो गई? सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो रहा था वो घर में, मतलब कि दुनिया कितनी खराब है ना, और लोग अपने व्यूज के लिए, अपने डॉलर के लिए, अपने चैनल के लिए
इतना गिर जाते हैं, कितना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। उस तरह से वाईपी पे चल रहा है, बहुत ज्यादा गंदे चल रहा है सच में, बहुत ज्यादा। और ऊपर से मैं तो ये भी बोलूंगी कि जो शिवी बता रही है कि वो ये करती थी, वो करती थी, वीडियो बनवाती थी और ये सारा कुछ स्क्रिप्ट वगैरह देती थी, तो हमें क्या भरोसा भाई? हम क्यों भरोसा करें कि अभी वो वीडियो नहीं बनवा रही है? क्या क्या कोई गारंटी है कि जो अभी तुम बोल रही हो, ये तुम अपनी मर्जी से बोल रही हो, ये तुम लोगों का प्री प्लान ड्रामा नहीं है तुम्हारा और सपना का? आगे जाके तुम लोग बोल देंगे मापिया तलापिया हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमें क्या पता भाई? ऑडियंस तो यहाँ पे बेवकूफ बैठी हुई है ना, जिस भी डायरेक्शन में तुम लोग लेके जाएंगे ऑडियंस चले जाती है, जो भी डायरेक्शन में तुम लोग बताते हो ऑडियंस वही डायरेक्शन में जाके सुनने बैठ जाती है। यहाँ पे ऑडियंस को भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपना दिमाग लड़ाओ और थोड़ा सी ना सोचो कि अगर के वो सब वीडियो वो इससे बनवा सकती थी, तो क्या ये वाली कंट्रोवर्सी वो इससे नहीं करवा सकती है? यहाँ तक के सपना ने अपनी माँ के साथ में, अपने मायके वालों के साथ में भी कंट्रोवर्सी की, फिर बाद में उनके साथ में सारा कुछ ठीक हो गया, तो क्या आगे जाके इसके साथ में ठीक नहीं हो सकता? इसके साथ भी ठीक हो सकता है। तो बस किसी को इतना हेट मत दो जिस तरह से शिवी को अभी हेट दिया जा रहा है, तो इतना हेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपना ने ही इसको मुंह लगाई थी, तभी इसने सपना के साथ में इतना सब की, और इसने भी सपना की सारी चीजों में पूरा पूरा उसको सपोर्ट की, इसके लिए सपना की इतनी हिम्मत बढ़ी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो गुनाहगार तो दोनों ही है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई कम ज्यादा है यहाँ पे। बाकी अभी बात करते हैं सपना की वॉइस के ऊपर, जो सपना की और शिवी की मेरे ख्याल से बात हो रही है, वो तो मैं आगे लगाऊंगी, आप लोग सुनना वो वॉइस भी। तो उसके अंदर सपना जिस तरह से बात कर रही है, और इसका बोलना कि वो रूम में, वो यहाँ के घर में क्या कांड हो रहा था, और सपना का ये बोलना कि तुम्हारा हस्बैंड है, मतलब इतने इसके हस्बैंड को गाली भी दी है सपना ने, मेरे हिसाब से तो गाली ही दी है, आप लोग खुद भी सुन लेना, हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती हुई हो। तो उससे ये पता चल रहा है कि इसके हस्बैंड की नीयत खराब थी सपना के ऊपर, ऐसे ही कुछ लग रहा है, जिस तरह से इसके हस्बैंड ने सपना को गाली दिया है, मीन्स के सपना ने मना कर दी थी, या सपना ने भाव नहीं दी, आगे बढ़ने नहीं दी, जिस वजह से उसने सपना को गालियां दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि इन लोगों के बीच में इतनी बड़ी, इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। ये जो रीजन बताया जा रहा है ना कि वहां पे लखनी थी, लोग आ गए, वो चीज इन लोगों से हजम नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक रीजन के वजह से इतना बड़ा कांड हो सकता है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह है, जरूर कोई ना कोई गंदा और घटिया गलीच कांड है, जो कि आज नहीं तो कल जरूर सामने आएगा। आप लोग आगे वॉइस वॉइस सुनो, वो वॉइस से मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे सपना का हस्बैंड, सॉरी शिवी का हस्बैंड सपना के ऊपर गंदी नजर रखा हुआ था, और सपना ने उसको मतलब कि हरी झंडी नहीं दिखाई, और जिसकी वजह से सपना का हस्बैंड, शिवी का हस्बैंड सपना को गाली गलौज किया और सपना के ऊपर बिगड़ गया, और फिर ये सारे कांड हुए। और सपना जिस तरह से बोल रही है तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, उसने क्या किया है पहले वो देखो, और शिवी एक जैसा माफिया मांग रही है, तो वो सबसे मुझे तो यही बातें समझ आ रही है। बाकी आप लोगों का क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। आगे वॉइस लगा रही हूँ वो आप लोग सुन लेना। और वो जो कांच में थम्सअप वगैरह दिया जा रहा था, उसको लेके क्लियर नहीं किया गया, तो वो क्या था? मतलब हर चीज में सपना सही है, हर चीज में मतलब के वो परफेक्ट है, वो कुछ की ही नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। बोलते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां होती है, लेकिन सपना कभी भी नहीं बोलती है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, या ये मैंने की हूँ या वो मैंने की हूँ। उल्टा वो चीज को क्लियर करने की बजाय उसने खुद की और शिवी की वॉइस लीक की। ये चीजें नहीं समझ आई मुझे कि अगर तुम्हें करना था तो तुम एक चीज को क्लियर करती, ना कि तुम एक और नया मुद्दा खड़ा करती। ये वॉइस लीक करने का यही मतलब है यहाँ पे, कि तुम एक न्यू मुद्दा खड़ा कर रही हो और पुरानी चीजों से ऑडियंस का ध्यान हटे और नवी चीज के ऊपर चले जाए, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए थी कि वो हाथ किसका था, कौन थम्सअप दे रहा था, कौन अप्रिशिएट कर रहा था कि हाँ तुमने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, तो वो वहां पे क्लियर करना चाहिए था, ना कि एक न्यू वॉइस लीक कर देना चाहिए था। बाकी आप लोग आगे वॉइस सुनिए, मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।
चलते चलते ये क्लिप भी देख लीजिए कि पीछे कांच के अंदर है ना हाथ आ रहा है, जिसके अंदर अप्रिशिएट किया जा रहा है कि बड़ी अच्छी वीडियो बनी। पता नहीं क्यों मुझे ये सारा कुछ भी प्री प्लान लग रहा है कि सारी कुछ है ना जानबूझ के ये सारा कुछ किया जा रहा है, जानबूझ के कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है। आए दिन सपना की ही न्यू न्यू कंट्रोवर्सी क्यों आ जाती है, समझ नहीं आती। खैर अल्लाह हाफिज। हेलो, कुछ तो कर रही होगी। सॉरी यार, मेरी अचानक पसंद ना हो मिलेगी। नहीं नहीं बहन, मैं सॉरी मांग रही हूँ तेरे से, तेरे घर वालों से, तेरे पति से भैया, कि तू मेरे पे इतना बड़ा कलंक रखवा रही है। तो तेरे पति का बोला है ना, मैं तुम्हें पैरों में डल के माफी मांग लूंगी, इतना बड़ा कलंक मत करवा मेरे ऊपर भाई। तूने फांसी लगा ली, पुलिस बुला रहे है ना, तो हमारे घर में कदम मत रख देना, जी मत रख देना है ना, मेरे पे मत लगवा। मैंने तेरे से कुछ बोला? मैंने तेरे से फोन करके, आपने फोन करके आपने कहा कि मैंने पालने करते तो मेरे को आपका पूरा लग गया है, है ना। मैंने कहा बोल देते ना, मैं ले आऊंगा इतनी, क्यों फालतू में। इतनी नहीं, इतनी सी बात पे तूने इतना बुरा बुरा मेरे से बुलवा दिया। मैंने तेरे से भैया एक शब्द बोला हो, तेरी फैमिली के लिए बोला हो, तो तू बता जा। कसम खा रही, मैंने तुम्हारे लिए किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं बोला कि तेरे पति की बुराई करके कर। बोली या नहीं बोली ये बता। हाँ पे नहीं बोली ना कुछ, मैंने यही बोला लास्ट में फोन काट के कि तेरे से थोड़ी देर बाद मैं बात करती हूँ। इसके अलावा कुछ बोला नहीं? बोला ना। और देख अब ध्यान से सुन ले मेरी बात, है ना, बहुत प्यार से बोल रही हूँ। देख सपना कभी थी या कभी होगी तेरी दोस्त, है ना, वो आज से तेरे लिए मर गई है। ये बात चाहे तू 10 दिन रो ली हो या कुछ भी कर लियो, है ना। और तेरी फैमिली से और मैं बात कर लूंगी, नंबर वंबर ले लूंगी, सबके हाथ जोड़ लूंगी। वैसे तो मैंने कोई गलती की नहीं है अपनी नजर में, पर फिर भी मांग लूंगी जिस तरीके से तुम्हारे पति देव ने जैसे बोला है। और बात आखिर है क्या, मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे नहीं तोड़े पड़ रहे हैं वो, मैंने क्या, मैं रिश्ते बचाती हूँ हमेशा, जीवन भर मैंने रिश्ते बचाए हैं, इसलिए बातें हो रही हैं। पता है क्या, हम आपके घर आए थे एक बार, तब आए थे घर, जब आपने बुलाया था रात में, जब आप बेहोश हो गई थी वीडियो कॉल में, हम 2 से 3 आपके पास में आए थे। हम लोग आए थे, हमारे पार्टी वाई थी, इतनी सब चीज हुई थी। दूसरे दिन आपने जब बात नहीं करी, कनेक्शन नहीं दिया, आपने दूसरे दिन के प्लान्स बनाए थे, तो उनका कहना ये है कि मेरी बेइज्जती हुई, मेरे को बुलाया और फिर उसके बाद में ऐसे बेइज्जत करके भगाया घर से कि तुम्हें मतलब हमको, हाँ कि मतलब आपने वो रात वाली बात नहीं, हरोई वाली बात, जोर से बाइक खेल लेते वो वाली चीजें, बस वो वाली बात है। इस वजह से वो घर में नहीं आना चाहते। उससे पहले आपको रिलेशन पता है कि क्या थे, उसके बाद ये रिलेशन किस वजह से बिगड़े। अब सुन ले है ना, मैंने बेइज्जत करके भगाया, मैंने सब कुछ कहना ये है। तेरा पति बहुत सीधा है, सुन ले मेरी बात, अब मेरी बात सुन ले, तेरा पति बहुत सीधा है, बहुत मेरा मुंह मत खुलवाइए इससे आगे, क्योंकि मेरा मुंह ज्यादा खुलेगा तो बहुत ज्यादा ही बुरा हो जाएगा। इसलिए मैं बिना मुंह खुले मैं बंद कर रही हूँ ये रिलेशन। न तू आज जिंदगी में मेरे को फोन करेगी, कहीं भी तू मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दे, ना मेरी तेरे को दिखेगी। तेरे घर की बात छोड़, तेरे घर के इर्द गिर्द भी नहीं घूमूंगी मैं, ठीक है। इतना तो वो नहीं खाती नाच खाती हूँ। और रहा वो तेरा पति, बाढ़ में जाए मरे और तुम पूरा घर, कोई मतलब नहीं है मेरे को तुम सबसे। और जिंदगी में तू मेरे को फोन मत कर दी भैया, जो तेरे ऊपर है ना, निकालो निकालो। हाँ मैं तो निकालो। सुन तेरे पति ने क्या बोला कि तुम मेरे घर में कलेश करवा रही हो, मेरी बीवी मर गई, पुलिस तुम हमें जेल में डाल रही हो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरे को जेल में डलवाओगे ये सब कर करोगे। मैं तेरे से कह रही हूँ, और चाहे तू भैया मेरे नाम पे मत करियो, आज मेरा कॉल आया है, जिंदगी में मेरा कोई कॉल नहीं आएगा, मेरे पीछे से नाटक मत करो भाई। जो तुम कर रहे हो, तुम हंसी खा रही है, तेरा पति पुलिस वाला बुला रहा है, मेरे को गालियां दे रहा है, मादर चौध मेरे को बरा है, मादर चौध मेरे को बरा है, मादर चौध मेरे को गालियां दे रहा है वो, है ना। तो वो अपनी औकात में